जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका बीके ऑलराउंडर चैनल पर। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको हैप्पी न्यू ईयर कहना चाहूँगा। दोस्तों हमारी तरफ से नववर्ष 2023 की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई आप सभी को, और ईश्वर करे कि नववर्ष 2023 आपके परिवार के लिए और आपके लिए बहुत ही खुशियाँ देने वाला वर्ष साबित हो और आपको नई ऊँचाइयों पर, नई तरक्की पर लेके जाए, यही मेरी ईश्वर से कामना है। तो मेरी तरफ से एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर 2023। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सेफ्टी किट टेबलेट के बारे में पूरी जानकारी। तो दोस्तों सबसे पहले आपसे अनुरोध करना चाहेंगे कि आप वीडियो को पूरा देखें, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि आने वाले हर नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे और आप उसका लाभ उठा सकें। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह है सूर्या सेफ्टी किट। दोस्तों ये एक कॉम्बी पैक होता है और इसका जो MRP है दोस्तों वो 378 रुपये है जो मेरे पास है इसका इस समय। और इसका जो साल्ट होता है वो कॉम्बी पैक ऑफ माइफ्रिस्टोन एंड मिसोप्रास्टोल टेबलेट इसमें होती है, और इसमें दोस्तों 5 टेबलेट की एक किट निकलती है। तो आपको बताएंगे कि किन किन समस्याओं में आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों पहले आपको बताना चाहेंगे कि इसमें जो माइफ्रिस्टोन होता है वो 200 mg होता है और मिसोप्रास्टोल जो होता है वो 200 mcg होता है। और दोस्तों बताना चाहेंगे कि आपको किन किन समस्याओं में इसका इस्तेमाल किया जाता है और किन लोगों को इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस बात को आप अंडरलाइन कर लें, ये जो होता है ये टेबलेट जो किट होती है सेफ्टी किट, ये केवल महिलाओं के लिए होती है। सबसे पहली बात ये आपको याद रखनी है, और उनको कब इसका इस्तेमाल करना है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। उनको इस टेबलेट का इस्तेमाल जो है अनवांटेड प्रेगनेंटी में करना है। दोस्तों यदि वो अगर उनको अनचाहा गर्भ ठहर गया है, वो गर्भवती हो गई है, 1 महीना हो गया है या 1.5 महीना गर्भ ठहरे हो गया है और उनको बच्चा नहीं चाहिए, पहले से ही 1-2 बच्चे या 3 बच्चे या 4 बच्चे हैं, मतलब कहने का मतलब है कि उनको जो गर्भ ठहरा है वो बच्चा अभी उनको नहीं चाहिए। तो और दोस्तों एक बात का ध्यान रखें कि इसका इस्तेमाल जो है, यदि गर्भ जो है 1 से 1.5 महीने का है तभी इसका इस्तेमाल करें। 1.5 महीने से यदि ज़्यादा की गर्भवती महिलाएं हैं वो इस टेबलेट का इस्तेमाल ना करें, उनके हो सकता है कि गर्भपात जो है, अबॉर्शन जो है इस टेबलेट से ना हो सके, उसके बाद में उनको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है और उनको फिर भी अबॉर्शन ही कराना पड़ेगा। तो उनको जो है अपने गायनोलॉजिस्ट से मिलकर ही अपना इलाज करवाना चाहिए जो 1.5 महीने से ज़्यादा की गर्भवती हैं। और जो दोस्तों 1.5 महीने तक की गर्भवती हैं उन महिलाओं को इस टेबलेट का इस्तेमाल कैसे करना है ये मैं आपको बताना चाहूँगा। तो दोस्तों इस टेबलेट का इस्तेमाल जो है, इसमें 5 टेबलेट निकलती हैं, 1 टेबलेट बड़ी अलग होती है और 2-2 टेबलेट अलग होती हैं, 4 टेबलेट एक में ही, एक ही पैक में 5 टेबलेट होती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बड़ी टेबलेट को इसे जो है गर्म चाय के साथ, बिना दूध की चाय हो उससे बड़ी वाली टेबलेट को खा लेना है। उसके बाद में जो है दोस्तों, जैसे कि आपने सोमवार को बड़ी टेबलेट सुबह खाई है तो मंगलवार को सुबह 2 टेबलेट छोटी वाली खानी है, एक साथ में 2 गर्म चाय के साथ, वो भी बिना दूध की। और यदि मंगलवार को शाम तक आपकी ब्लीडिंग आ जाती है, MC आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आपको मंगलवार की शाम को जो है 2 टेबलेट बिना दूध की गर्म चाय के साथ फिर से खा लेनी है, और इससे आपका एबॉर्शन सफलतापूर्वक हो जाएगा यदि वो मैक्सिमम 1.5 महीने का है। 1.5 महीने से अधिक जो है यदि गर्भ हो गया है तो इस टेबलेट का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, यह आपके लिए हानिकारक हो सकता है। और बात करें दोस्तों इसको बनाने वाली कंपनी की, तो DM Pharma इसको बनाती है और इसको जो है जननी कंपनी के द्वारा मार्केटेड किया जाता है। और तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज के वीडियो में जो मैंने आपको सूर्या सेफ्टी किट टेबलेट के बारे में पूरी जानकारी दी है वो आपको पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। तो आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि आपको इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले मिलती रहें। तो दोस्तों मिलेंगे फिर किसी दिन नया कंटेंट लेके, फिर आपकी सेवा में हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, आप चुस्त तंदुरुस्त और स्वस्थ रहें, यही मेरी ईश्वर से कामना है।
और तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, आपका परिवार और आप स्वस्थ रहें, यह मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। मिलेंगे फिर किसी दिन, तब तक के लिए जय हिंद। सभी लोगों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत और जय श्री राम।